प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट की अंकीय गणित और अपन बात कर रहे थे श्रेणी की। अपने बात कर की थी कि श्रेणी है वो तीन प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और दोलायमान। एग्जाम में कोई भी श्रेणी दे देंगे फिर ये पूछेंगे कि ये अभिसारी है, अपसारी है या दोलायमान है, तो उसके लिए विभिन्न टेस्ट अपन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपने बात की थी कि गुणोत्तर श्रेणी का अपन किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होती है उसको अपन किस तरीके से पहचान सकते हैं। फिर अपन जनरल टेस्ट पढ़ रहे थे, कोई भी श्रेणी दी गई है सबसे पहले अपन क्या करते हैं उसका एनवापन निकालते हैं, फिर उसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं। यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी का मान नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो वो श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। लेकिन उसका मान अगर जीरो आ रहा है तो वो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेते हैं, सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट काम में लेते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कोसी के मूल परीक्षण की, कल अपन बात कर रहे थे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट की। अगर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है और एनवे पद में अगर ई होता है तब अपन काम में लेते हैं लघुगणक अनुपात परीक्षण, लोगोरिथम टेस्ट काम में लेते हैं। लघुगणक अनुपात परीक्षण क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का मान निकालते हैं, इसका मान आ गया मान लो एल, तब श्रेणी समेशन ऑफ यू एन फेस्ट अभिसारी होगी, यदि एल का मान एक से बड़ा है अपसारी होगी, यदि एल का मान लेस देन वन है और टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल यदि एल बराबर एक। यानी सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी श्रेणी दे रखी है सबसे पहले अपन उसका एनवा पद ज्ञात करेंगे, एनवे पद में यदि एक्स आ रहा है और फैक्टोरियल एन आ रहा है तो हमेशा अपने को डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से शुरुआत करनी है। यदि एनवे पद में घात एन आ रही है तो अपन कोसी का मूल परीक्षण लगा सकते हैं, यदि कोसी का मूल परीक्षण नहीं लगता है तो हमेशा आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है और एनवे पद के अंदर ई आ रहा है तब अपन काम में लेंगे लघुगणक अनुपात परीक्षण। और लघुगणक अनुपात परीक्षण में क्या करते हैं अपन, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन तो अपन डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में निकाल ही लेते हैं, फिर उसमें लॉग लेते हैं, फिर उसको एन से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं। ऐसा करने पे जो संख्या आती है वो अगर ग्रेटर देन वन आती है तब श्रेणी अभिसारी होती है, लेस देन वन आती है तब अपसारी होती है, और यदि उसका मान एक आता है तो वो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ऐसा अपन एक क्वेश्चन आज करके देखते हैं। श्रेणी अपने को दे रखी है वन प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेणी दे रखी है समेशन ऑफ यू एन इज इक्वल टू दे रखा है वन प्लस टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस थ्री का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री, फिर है फोर का क्यूब एक्स का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल फोर, फिर चलता जाएगा। सबसे पहले अपने को जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनवा पद निकालना होता है। अब यदि कोई ऐसा पद है जो सिमेट्री नहीं कर रहा है तब उस पद को अपन हटा भी सकते हैं, तो इस पद को हटा देंगे। अब यहां पे देखें तो इसको अपन वन लिख सकते हैं, इसको वन लिख सकते हैं। अब अपन एनवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक एक टर्म को अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन एनवा पद में अपन देख रहे हैं, देखो यहां कितना आ रहा है दो, यहां कितना आ रहा है तीन, यहां कितना आ रहा है चार, दो तीन चार से एनवा पद कितना आएगा, समांतर श्रेणी बन रही है और समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की जगह हो जाएगा दो, डी का मान एक हो गया, इसको सल करेंगे तो ये बनेगा एन प्लस वन। ऊपर यहां पे पहले पद में एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, तो एनवे में एन आ जाएगा। यहां अगर देखें तो एक्स आ रहा है सभी में, पहले पद में एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, एनवे में एन आ जाएगा। नीचे अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल फोर, एनवे पद में आ जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस वन। यानी सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका एनवा पद निकालना है, उसके बाद में अपन निकालेंगे एन प्लस वन वा पद। अब यहां पे एनवे पद में फैक्टोरियल आ रहा है और एनवे पद में अगर फैक्टोरियल आता है तो हमेशा आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से शुरुआत करनी होती है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे एन प्लस वन वा पद, एन प्लस वन वापस निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां भी एन है वहां पे एन प्लस वन लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एन प्लस टू की पावर हो जाएगा एन प्लस वन, एक्स की पावर हो जाएगा एन प्लस वन, नीचे आएगा फैक्टोरियल एन प्लस टू।
अब अपने को क्या करना है, यूएन में यूएन प्लस वन का भाग देना है, यूएन में यूएन प्लस वन का भाग देंगे तो यहां बन जाएगा एन प्लस वन की पावर एन एक्स की पावर एन फैक्टोरियल एन प्लस वन। ये स्टेप ऊपर चली जाएगी, नीचे आ जाएगा एन प्लस टू की पावर एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन, एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर थोड़ा सरल करें तो ये बन जाएगा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। ऊपर एन प्लस वन की पावर एन आ रहा है, फैक्टोरियल एन प्लस टू को अपन लिख सकते हैं एन प्लस टू इंटू फैक्टोरियल एन प्लस वन, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस वन एन प्लस टू की पावर एन इंटू एन प्लस टू, साथ में आ जाएगा वन अपॉन एक्स। फैक्टोरियल एन प्लस वन से ये कैंसिल, एन प्लस टू से ये कैंसिल। अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो इसलिए थोड़ा सल करके इसको अपन लिख देते हैं यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। ऊपर से एन कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, नीचे से एन कॉमन लेंगे तो ये बनेगा वन प्लस टू अपॉन एन की पावर एन, साथ में वन अपॉन एक्स आ जाएगा, इस एन से ये एन कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें अपन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, इधर भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो ये बनेगा वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, नीचे आएगा वन प्लस टू अपॉन एन की पावर एन, साथ में आएगा वन अपॉन एक्स। अब अपन ये बात जानते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस ए अपॉन एन की पावर एन का मान होता है ई की पावर ए होता है, तो ये बनेगा ई, नीचे बनेगा ई स्क्वायर, साथ में आएगा वन अपॉन एक्स, ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा वन अपॉन ई एक्स। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में अपन जानते हैं यहाँ जो संख्या आती है वो अगर एक से बड़ी होती है तब तो श्रेणी अभिसारी होती है, एक से छोटी होती है तब अपसारी होती है, लेकिन यहाँ पे जो वन अपॉन ई एक्स आ रहा है एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए अपने को यहाँ पे तीनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे। तो अपन लिखेंगे अतः डालेम्बर अनुपात परीक्षण से, डालेम्बर अनुपात परीक्षण से श्रेणी समेशन ऑफ यूएन अभिसारी होगी, यदि वन अपॉन ई एक्स ग्रेटर देन वन है, इस स्टेप को इधर लाएंगे तो एक्स लेस देन हो जाएगा वन अपॉन ई, अपसारी होगी यदि यदि वन अपॉन ई एक्स लेस देन वन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स ग्रेटर देन वन अपॉन ई। तो या अपन ये कह सकते हैं यदि एक्स का मान लेस देन वन अपॉन ई है तब तो श्रेणी होगी अभिसारी, एक्स ग्रेटर देन वन अपॉन ई है तब होगी अपसारी, और जब x बराबर 1 अपॉन ई होगा तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल, क्योंकि x बराबर 1 अपॉन ई लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और जब डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में इसका मान 1 आता है तो वो टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो जब x बराबर 1 अपॉन ई होगा तो वापस अपन कहां पे चलेंगे, nवे पद पे चलेंगे। अब nवे पद में क्या है, फैक्टोरियल है, तो वापस अपने को क्या लगाना पड़ेगा, डीएलएम्बर्ट या इससे आगे वाला टेस्ट लगाना पड़ेगा। अब चूंकि डीएलएम्बर्ट फेल हो चुका है और nवे पद में क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, तो अभी अपन बात कर रहे थे यदि nवे पद में e होता है तो अपन क्या करते हैं लघुगणक के अनुपात परीक्षण काम में लेते हैं। तो यहाँ nवा पद ये हो गया, अब अपन क्या करेंगे un अपॉन un प्लस वन का मान निकालेंगे, सीधा ही अपन un अपॉन un प्लस वन में x बराबर वन अपॉन e रख देंगे। जब x बराबर वन अपॉन e है, जब x बराबर वन अपॉन e है तो un अपॉन un प्लस वन कितना आएगा, इसमें x की जगह 1 अपॉन ई रख रहे हैं तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन n की पावर n, x की जगह 1 अपॉन ई रखेंगे e आ जाएगा। अब इसके अंदर e आ रहा है इसलिए अपन क्या करेंगे लघुगणक के अनुपात परीक्षण काम में लेंगे, और लघुगणक के अनुपात परीक्षण में अपन सबसे पहले log लेंगे, इधर भी log लेंगे तो log m अपॉन n का सूत्र लग जाएगा, log m माइनस log n बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना log 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन प्लस लॉग ई माइनस लॉग 1 प्लस 2 अपॉन एन की पावर एन। घात को अपन पहले लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा एन लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन लॉग ई का मान होता है 1 माइनस एन लॉग 1 प्लस 2 अपॉन एन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा n log 1 प्लस x का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, log 1 प्लस x क्या होता है x माइनस x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ये बनेगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर,
चलता जाएगा, प्लस वन माइनस एन, ये आ जाएगा टू अपॉन एन माइनस फोर अपॉन एन स्क्वायर, चलता जाएगा इस तरीके से। एन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा वन माइनस वन अपॉन टू एन, यहां से वन आएगा, यहां से एन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस टू, प्लस टू से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा टू अपॉन एन, चलता जाएगा। अब दोनों तरफ अपन एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, एन से मल्टी, इस वन से ये वन कैंसिल हो रहा है, इस ये वन और वन कितना हो जाएगा टू, टू माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा माइनस वन बाई टू प्लस टू, आगे और स्टेप आते जाएंगे। अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर लेते हैं तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इधर भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मान आएगा दो माइनस एक बटा दो, यानी कितना हो जाएगा तीन बटा दो। और अपन ये बात जानते हैं तीन बटा दो क्या होता है, एक से बड़ा होता है। और अभी अपन बात कर रहे थे लघुगणक के अनुपात परीक्षण में, यदि इसका मान एक से बड़ा आता है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी। तो इसका मतलब समेशन ऑफ यू एन क्या हो जाएगी, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। अभिसारी होगी जब एक्स बराबर कितना हो जाएगा वन अपॉन ई हो जाएगा, तो जब एक्स बराबर वन अपॉन ई होगा तब श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। तो यहां तक एक बार अपन दोबारा इसको डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ने क्या किया था, एन वापस निकाला था, जो भी स्टेप दे रखी है एक एक टर्म को देखते हुए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एनवा पद निकालेंगे। यदि एनवे पद में एक्स होता है या फैक्टोरियल होता है तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से अपने को शुरुआत करनी होती है। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एन प्लस वन वापस निकालते हैं, फिर यू एन में यू एन प्लस वन का भाग देते हैं, फिर उसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं। ऐसा करने पर जो संख्या आती है वो अगर ग्रेटर देन वन है तो अभिसारी होगी श्रेणी, लेस देन वन है तो अपसारी होगी। जब उसका मान एक के बराबर होगा तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा, लेकिन अगर एक्स के रूप में अगर उसका मान आ रहा है तो वहां तीनों बातें अपने को लिखनी पड़ेंगी। तो यहां अपने दोनों बातें लिख दी थी, तीसरा जो केस बन रहा था वो बन रहा था एक्स बराबर वन अपॉन ई का। अब एक्स बराबर वन अपॉन ई वापिस अपन एनवे पद में रखेंगे, और एनवे पद में एक्स बराबर वन अपॉन ई रखेंगे तो एनवे पद में ई आ जाएगा, और एनवे पद में ई आने पर हमेशा अपन क्या करते हैं, लघुगणक के अनुपात परीक्षण काम में लेते हैं। और लघुगणक के अनुपात परीक्षण में अपने को क्या करना पड़ेगा, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए यू एन में अपन ने रख के सीधा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन में एक्स बराबर वन अपॉन ई रख देंगे, फिर इसमें लॉग लेंगे, फिर इसको एन से गुणा करेंगे, फिर उसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। ऐसा करने पे जो संख्या आएगी उसको अपन देखेंगे, यदि वो संख्या ग्रेटर देन वन आती है तो श्रेणी अभिसारी हो जाएगी, लेस देन वन आती है तो अपसारी हो जाएगी। इसी प्रकार इस टाइप की कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि आप आज करके देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो श्रेणी दे रखी है, समेशन ऑफ यू एन इज इक्वल टू अपने को ये दे रखा है वन प्लस एक्स वाई टू प्लस फैक्टोरियल टू अपॉन थ्री का स्क्वायर एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल थ्री फोर क्यूब एक्स क्यूब, चलता जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस श्रेणी का एनवा पद निकालेंगे। अब एनवा पद निकालेंगे तो एक पद वो सिमेट्री नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो इस पद को हटा देंगे। अनंत पदों की श्रेणी में एक पद अपन हटाएं या जोड़ें तो इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सिमेट्री बनाने के लिए यहाँ मैंने लिख लिया फैक्टोरियल वन लिख लिया, इसको अपन इसकी पावर वन लिख सकते हैं। अब एक एक पद को देखना है, यहाँ देखो फैक्टोरियल आ रहा है, यहाँ पे फैक्टोरियल आ रहा है, तो एनवे पद में फैक्टोरियल आएगा। पहले पद में एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, तो एनवे में एन आ जाएगा। सभी में एक्स है, इसमें भी एक्स आ जाएगा। ऊपर एक्स की पावर एक आ रहा है, यहाँ दो आ रहा है, यहाँ तीन आ रहा है, तो यहाँ एन आ जाएगा। यहाँ नीचे देखें तो पहले पद में दो है, फिर तीन है, फिर चार है, दो तीन चार से एनवा पद कितना आएगा, एन प्लस वन। घात अगर अपन देखें तो यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो यहाँ कितना बन जाएगा, एन बन जाएगा। तो एनवा पद है उसके अंदर कितना आ रहा है, देखो फैक्टोरियल आ रहा है, और फैक्टोरियल अगर आता है तो अपन क्या करते हैं, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट काम में लेते हैं। और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट काम में लेने के लिए अपन एन प्लस वन वापस निकालेंगे, और फिर सेम अभी जो अपने एग्जाम्पल किया है सेम उसी तरीके से उस क्वेश्चन को करके देखेंगे। तो आज इससे टेस्ट से संबंधित आप क्वेश्चन करके देखेंगे, कल अपन नया जो टेस्ट है वो अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।